हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जिले के सफर पर ले जा रहे हैं जो झारखंड की खूबसूरती का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है और इसके साथ ही इसे राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पलामू जिले के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 1892 में पलामू को एक नया जिला बनाया गया और मेदिनी नगर पलामू जिले का मुख्यालय बना। दोस्तों, पलामू को पहले पालुन के रूप में जाना जाता था और अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार पलामू जिले की कुल जनसंख्या अप्रॉक्स 19,39,000 है। दोस्तों, पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। दरअसल जिस तरह जैसलमेर अपने खूबसूरत किले महल के लिए जाना जाता है, उसी तरह पलामू भी अपनी खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ भी आपको कई किले महल देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो झारखंड कई खनिज लवण से समृद्ध है और इसके साथ ही यह जानकर आपको गर्व होगा कि पूरे देश में पाए जाने वाले खनिज का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, जिसमें पलामू ग्रेफाइट उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट खनन क्षेत्र होने के कारण यहाँ से सबसे ज्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है और यहाँ से निकला ग्रेफाइट दुनिया भर में उपयोग में लाया जाता है। कोयल नदी के तट पर बसे पलामू जिले की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि और खनिज पर ही निर्भर करती है। इसके साथ ही अगर फसल की बात करें तो पलामू झारखंड के सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला जिला है। वैसे तो जमशेदपुर को झारखंड का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पलामू भारत का तीसरा सबसे गर्म स्थान हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ बर्फबारी भी काफी होती थी और जिसकी वजह से इस जिले को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, पलामू जिले का हैदर नगर वह स्थान है जहाँ हर साल भूत मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला पूरे झारखंड के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है और इसे लगभग 300 से अधिक सालों से मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस मेले का आयोजन हर साल आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस मेले में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भूत मेला भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों को झारखंड के स्थानीय विरासत को देखने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, पलामू के मोहम्मदगंज का जुड़ाव महाभारत काल से बताया जाता है और इसके अवशेष आज भी इस स्थान पर मौजूद है। कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो पलामू के मोहम्मदगंज पहुँचे थे और यहाँ कोयल नदी के पास भीम का बनाया एक चूल्हा है। भीम ने 3 चट्टानों से एक चूल्हा बनाया था और इसी वजह से इस इलाके को भीम चूल्हा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हर वर्ष इसे देखने के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों लोग यहां आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पलामू को झारखंड का सबसे खूबसूरत जिला माना जाता है और यहाँ पर आपको कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बेतला नेशनल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। यह झारखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इस राष्ट्रीय उद्यान में औरंगा नदी बहती है, जिसका व्यू देखने लायक रहता है। जंगल के अंदर वॉच टावर बना हुआ है जहां से आप पूरे जंगल का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। इसके साथ ही आप पलामू किला भी घूम सकते हैं, जो पलामू जिले का एक प्राचीन स्थल है। यह किला बेतला नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। अगर आप पुरानी जगह देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप इस किले में घूमने के लिए जा सकते हैं। केचकी संगम। दोस्तों, केचकी संगम पलामू जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको औरंगा और कोयल नदी का संगम देखने को मिलता है और यह संगम स्थल बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। यह संगम और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 1973 में एक बंगला फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसके मुख्य किरदार शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रोवल थे।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप झारखंड की किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।